हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिहार में एक और महाघोटाला, 2 अरब 33 करोड़ की गड़बड़ी का हुआ खुलासा। बिहार में एक और महाघोटाला का पता चला है जिसमें 2 अरब 33 करोड़ की वित्तीय अनियमितता सामने आई है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरपुर में साल 2011 से 2016 तक हुए 2 निरीक्षण रिपोर्ट में सीएजी ने 102 करोड़ की वित्तीय अनियमितता पकड़ी है। वहीं दरभंगा में 1 अरब 31 करोड़ से अधिक रुपए की गड़बड़ी पकड़ी गई है। दोनों मामले मुजफ्फरपुर और दरभंगा के जिला नजारत कार्यालय के है, जहां 2 अरब से भी ज्यादा का घोटाला सामने आ रहा है। महालेखाकार कार्यालय ने ऑडिट रिपोर्ट में ये गड़बड़ी पकड़ी है। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2009 से लेकर 2017 तक की ऑडिट रिपोर्ट में करीब 2 अरब 33 करोड़ 23 लाख की वित्तीय अनियमितता सामने आ चुकी है। गायघाट के अमित कुमार मंडल द्वारा सूचना के अधिकार से मांगी हुई सीएजी की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। दोनों जिलों में करीब 233 करोड़ रुपए की गड़बड़ी पाई गई है। सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार 2009 से लेकर 2017 की ऑडिट में ये वित्तीय अनियमितता का खुलासा हुआ है। मुजफ्फरपुर में साल 2011 से 2016 तक हुए 2 निरीक्षण रिपोर्ट में सीएजी ने 102 करोड़ की वित्तीय अनियमितता पकड़ी है। इसमें मुख्य रूप से बाढ़ राहत के लिए बनाए गए पैकेट का सामान खरीदने में अनियमितता की गई है। इसके साथ ही बैंक खाते से 11,58,000 रुपए की अवैध निकासी भी सीएजी ने पकड़ी है। वही दरभंगा में वर्ष 2015 में किए गए निरीक्षण में भी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट सरकार और लोक लेखा समिति को पहले ही सौंपी जा चुकी है। दूसरी ओर वित्तीय अनियमितता उजागर होने के बाद आरटीआई कार्यकर्ता ने सूबे के मुख्य सचिव को सीएजी रिपोर्ट के साथ जांच कराने के लिए सितंबर 2018 में ही पत्र लिखा था, लेकिन अब भी जांच के लिए दिया गया आवेदन वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन के बीच ही घूम रहा है। आपको बता दें कि लोक लेखा समिति में सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के नेता भी शामिल है। जाहिर है कि मामले को पक्ष विपक्ष मिलकर टाल रहे हैं। दूसरी ओर सरकार द्वारा जांच की अनदेखी किए जाने से नाराज आरटीआई कार्यकर्ता अब इस मामले को रिट के माध्यम से पटना उच्च न्यायालय में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस मामले में जिला प्रशासन द्वारा बयान जारी किया गया है कि जिला नजारत या जिला लेखा कार्यालय में ये मामला संज्ञान में नहीं आया है। यदि मामला सामने आता है तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।